याद है? बताओ फॉर्मूला बताओ, बताएं बच्चों। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला सब्या, बताओ क्या होता है? सब्या सर एन सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ए यूनियन बी है ना, तो एन ए प्लस एन बी। देखो ये एडिशन थ्योरम बोलते हैं इसको। आप ना सिंपल सा मीनिंग जाने, ए यूनियन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है, ठीक है। ए यूनियन बी का, एन ए यूनियन बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बच्चों क्लियर विजिबल है ना, दिखाई दे रहा है? क्लियर क्लियर नहीं है? सर ब्लर है। अब देखो विजिबल है ना, ठीक यस है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन, ब्लर हो रहा है। आइदर ए और बी, ये एन ए यूनियन बी का मतलब होता है। एन ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन बोथ, है ना, विच लाइज इन ए एज वेल एज इन बी। ए और बी दोनों में जो बैठे हैं ना, उन एलिमेंट को तो बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी का मतलब है ए में या बी में, है ना। तो ये मीनिंग है। तो बच्चों समझना इस चीज को, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलते हैं। वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, कैसे क्वेश्चन इन पे आते हैं ना। और एक फॉर्मूला हमने किया था ये तीन सेट्स के लिए ना, ये वाला याद है? ये फॉर्मूला क्या था? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला भी याद करें, अभी लिख लो और अभी याद करो इसको। ये तीन सेट्स के लिए एडिशन थ्योरम है। ए यूनियन बी यूनियन सी आपको पता है बच्चों, मान लो तीन सेट अगर आपको गिवन है तो आप उनका यूनियन निकालना जानते हो। वो यूनियन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी को हम एन ए यूनियन बी यूनियन सी बोल रहे हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने वेन डायग्राम से आपको बताया था, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। मान लो ये तीन सेट्स ए बी सी है, ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसके अंदर तीन सेट बना रहे हैं, एक मान लो ये ए सेट है, ये सपोज बी सेट है, और ये सपोज एक सेट है सी। तो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है ये कंबाइंड एरिया। कौन सा एरिया? ये सारा एरिया। अब ये सारा एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? एन ए, एन ए का मतलब ए वाला सर्कल, एक एक इस सर्कल को ऐड किया, एक ये वाले सर्कल को ऐड किया और एक ये वाले सर्कल को ऐड किया। बच्चों ध्यान से देखना, इन तीनों सर्कल को ऐड करने पे क्या हुआ? ये वाला सर्कल भी ऐड किया और ये वाला सर्कल भी ऐड किया, तो ये वाला एरिया दो बार ऐड हो गया। ये एरिया क्या है? ये एरिया है ए और बी में कॉमन। ये जो एरिया है यहां, ये वाला एरिया, ये एरिया का नाम है ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ रहे हो? तो ये दो बार ऐड हुआ इसलिए एक बार माइनस कर दिया। एज वेल एज बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला एरिया, ये है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और सी इंटरसेक्शन ए का मतलब है ये वाला एरिया। तो ये तीनों एरियाज ट्वाइस ऐड हो गए थे क्योंकि
ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला एरिया, ये एरिया ये वाले एन ए के अंदर भी है और एन बी में भी है, एक बार माइनस किए। और बी इंटरसेक्शन सी वाला देखें तो बी में भी है और सी में भी है, तो ये वाला एरिया भी दो बार आया, एक बार हटा दिया, इसी तरीके से ये हटा दिया। अब ये काम कर, और ये वाले एरिया की बात करते हैं, ये एरिया जो है छोटा सा दिख रहा है जो आपको, ये एरिया को अगर देखें तो ये एरिया तीन बार एक्चुअली ऐड हुआ है और तीन बार माइनस हो गया। आप समझो, ये जो एरिया है ना, ये छोटा वाला एरिया, ये एरिया एन ए के अंदर है, एन बी के अंदर है और एन सी के अंदर है ना, ये तीनों में है, तो ये तीन बार ऐड हुआ, एन ए में भी आया, एन बी में भी आया और एन सी में भी आया, और ये तीन बार माइनस भी हो गया। देखो, एन ए इंटरसेक्शन बी यानी ये एरिया, इसमें भी ये वाला एरिया है, एन बी इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला, इसमें भी ये वाला एरिया है बच्चों, एज वेल एज एन सी इंटरसेक्शन ए यानी ये वाला एरिया, इस एरिया में भी ये वाला एरिया है। तो तीन बार ये ऐड किया, तीन बार ऐड किया और तीन बार इसको माइनस भी कर दिया, तो बच्चों ये एरिया तो रहा ही नहीं, तो इसलिए इसको ऐड तो करना है, क्योंकि ये भी, ये एरिया भी ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आता है, तो इसको मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, तीनों में कॉमन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन ए बी एंड सी, विच लाइज इन ए बी एंड सी, तीनों में जो लाई करते हैं ना वो एलिमेंट है ये। और ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो इन तीनों में से कम एक में लाई करें। ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग आपको पहले बता रखा है, ए यूनियन बी का मीनिंग बताया था, अब मैं बता रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन एटलीस्ट वन ऑफ, ए बी एंड सी, नोट कर लीजिए अच्छे से, लिख लो बच्चों, फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला बड़े वाला, अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले ना इनको, इस एरियाज को, ये जो इसके अंदर काफी सारे एरियाज आ रहे हैं, ये वाला एरिया को क्या नाम देंगे, ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, इन एरियाज की नेमिंग करते हैं, इन एरियाज की नेमिंग करने के बाद में क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर, यस सर। क्लियर हुई मेरी बात? किसी को डाउट है तो बताएं, चल दें आगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो और इस कंसेप्ट को थोड़ा हम अच्छे से क्लियर करते हैं। बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 4 या 6 मार्क्स के आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेम कंसेप्ट है, ये आपको 12th में भी मिलेगा और 11th में भी प्रोबेबिलिटी में के अंदर मिलेगा। 12th के अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, इवन लास्ट में फिर से एन की जगह पी बन जाएगा, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एन का मतलब तो सेट, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है, और पी का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो अभी इसको समझते हैं, ये है क्या, इसका यूज क्या है ना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से हम बात को समझेंगे। देखो 1.6 में तो इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जिसकी हद नहीं है। 1.6 में सारे क्वेश्चन इस पे हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, अब मैं आपको वर्बली करके बता रहा हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो और आपको समझ में आ जाएंगे क्या करना है। ये मैं दिखाई दे रहा है ना क्लियर। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एक्स गिवन है, एन वाई गिवन है, और एन एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई दे रखा है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये फर्स्ट, ये जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की जगह एक्स लिखना है, बी की जगह वाई लिखना है। एन एक्स यूनियन वाई ये गिवन है, ये 30 है, ये 38 है सॉरी। यहाँ 38 लिखेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ 23 लिखेंगे, और ये आपको कैलकुलेट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कैलकुलेट करना है। तो आप है ना, ये इसको वही लिखा रहने दो, इस टर्म को यहां ले आओ, इन दोनों को ऐड करके फिर ये माइनस कर दो, तो आपका आंसर वर्बली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया कितना आया, 40, और उसमें से 38 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब लैंग्वेज में आपको मैंने सिंबल के मीनिंग बता दिए हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मीनिंग क्या है, एक्स यूनियन वाई का मीनिंग क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ये सब आपको बता रखा है। ठीक है, तो बस वही अप्लाई करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड वाई दो सेट हैं, एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट, यानी एक्स एन एक्स यूनियन वाई के अंदर जो एलिमेंट है वो 18 है, एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है। ठीक है, अब उसके बाद में एक्स हैज 8 एलिमेंट, वाई हैज 15 एलिमेंट, क्या यार यही क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया, क्या करते हैं ये लोग। प्रियांशु दो है क्या आपकी क्लास में, नितिश, प्रियांशु नाम का बच्चा कोई, एक मिनट, देखना बच्चों इस क्वेश्चन में क्लियर है हमें, ये सेम क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। एनसीईआरटी पता नहीं क्या करते हैं, एनसीईआरटी वाले भी ना कैसे सेम क्वेश्चन दे दिए हैं बिल्कुल। एन एक्स की वैल्यू गिवन है, एन वाई की वैल्यू गिवन है, एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है और इंटरसेक्शन पूछा है, तो ये चार में से ये तीनों दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन में ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी हिंदी बोलने वाले 250 हो गए और टोटल 400 है, 400 टोटल है। ठीक है, तो 250 इस ये यानी यूनियन दे रखा है, ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सॉरी यूनियन नहीं, ये दे रखा है आपको यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट गिवन है और ये कह दिया हाउ मेनी पीपल, मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनियन ही गिवन है ये क्वेश्चन में, टोटल टू टोटल 400 है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ये कहा है कि 400 पीपल्स की ही बात कर रहा है, यानी आपको ये कहा है, मैं आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता हूँ सिंबल में। आपके पास में क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है वो ये है कि हिंदी बोलने वाले लोग जो है ना वो 200 है, हिंदी बोलने वाले हैं 200 और इंग्लिश बोलने वाले हैं नहीं नहीं 250 है और इंग्लिश बोलने वाले हैं 200, और टोटल जो है ना हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले, क्योंकि ये बात ही टोटल 400 लोगों को कर रहा है, हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले जो है ना वो है 400। आपको वो लोग कितने हैं ये बताना है जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जानते हैं, यानी कि हमें ये निकालना है, ये क्या आएगा। तो बच्चों इसके लिए आपको पता है कि एन एच इंटरसे एच यूनियन ई क्या होता है, ये होता है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है,
अब ये वैल्यूज हमें पता है, ये 400 है, ये 250, 200, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे लोग जो हिंदी भी बोलते हैं, एंड इंटरसेक्शन का मीनिंग एंड, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, ये वाली टर्म को यहां ले आओ तो एन एच इंटरसेक्शन ई कितना आया, ये आ गया 50। ठीक है, इसको यहां ले आए, ये यहां लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन सारे एक एक मिनट में होने वाले हैं बच्चों, 1.6 में कोई भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। देखो कॉफी वाला तो मैंने करवा दिया था आपको, आगे देखो, वही एक दो सेट दे रखे हैं, कह रहा है कि एस के अंदर एलिमेंट है, एक सेट एस है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 21, ठीक है, और टी के अंदर एलिमेंट है 32। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है, एंड एस है, एस एंड टी बोथ है, एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी के अंदर एलिमेंट है 11, तो उसने पूछा है कि ये कितना आएगा। अब ये पूछने वाली बात है, ये आ जाएगा, बस ये आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सारे के सारे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए आपको, बाकी भी मैंने कॉफी वाला भी करवा रखा है, तो आउट ऑफ 8 मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए, बाकी जो 2 बचे वो अपने आप कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं 7th और 8, वो आप ट्राई करोगे हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब बच्चों मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, मिसलेनियस में कुछ 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उनमें हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ना एक ये 3 सेट्स की जो बात करता हूं ना मैं, उसमें ना ये लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो, मैंने पहले भी लिखाई है, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में जाए, याद हो जाए आपको, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट विच लाइज इन ए और बी और सी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन ए और बी और सी, इसको ऐसे ना लिख के ये भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट विच लाइज इन एटलीस्ट, एक ही तो बात है, देखो इस लैंग्वेज और इस लैंग्वेज का मीनिंग एक ही होगा, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, इन दोनों का मीनिंग एक ही है ना? जैसे मान लो ना एक जैसे आपकी क्लास की बात करें ना, कुछ बच्चे हिंदी जानते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश भी जानते हैं, कुछ बच्चे हरियाणवी जानते हैं ना, यहाँ पे हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैं अगर पूछूं कि ना ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ना हमें निकालना है एन हरियाणवी यूनियन हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये निकालना है हमें। ठीक है, बात समझ रहे हो, मैं अगर पूछता हूँ कि मेरे को है ना ये बताओ कि ना ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों बोलते हैं, ठीक है, तो मैं उसका मीनिंग अभी बताने वाला था। ये अगर मैं पूछूं कि ये क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट, बताओ पीछे बताया मैंने अभी, क्या लिखेंगे इसको बताओ बच्चों, इसका मीनिंग अभी पहले बताया था मैंने, इसका सिंपल मीनिंग है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच लाई इन ए बी एंड सी, हाँ तीनों के अंदर हो जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच लाइज इन ऑल थ्री, व्हिच लाइज इन
all three sets. A, B and C. याद करो ये अच्छे से देख लो, ये लैंग्वेज को क्लियर कर लो बच्चों, इस लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर दे दो। आपको ये लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि ये निकालना है, ठीक है। मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा, समझते हैं, नोट कर लो। हाँ अब देखो क्वेश्चन, समझ क्वेश्चन देखते हैं इनके बेस पे। मिसलेनियस के देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि ये कोई यूजलेस है, एग्जाम में भी नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रूव करने वाले हैं आप करना चाहो तो कर लो, पर उनका कोई यूज नहीं है ना, एज सच कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो आप ना ही करें, अगर करते हैं तो कर लीजिए और मैं आपको डाउट बता दूंगा उनके, क्योंकि इनमें बस खाली वो सिंबल वाली बातें हैं जो मैंने पहले करवा दी हैं, वही वाले क्वेश्चन है ना। तो और उसके बाद में 11 से लेके जो 16 तक के क्वेश्चन हैं वो थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, वो हमें करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, चैप्टर 1 की जो मिसलेनियस है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो आपको अगर ये कहा जाए कि हमने ना 600 पीपल्स पे ऑब्जर्वेशन किया ना, अब 600 का मतलब क्या है कि ना जो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के अंदर टोटल जो है 600 मतलब एलिमेंट्स हैं, ऐसे कह दो ना। हाँ अब मैं आपको, आपको मैंने बताया कि तीन सेट के लिए क्या करता है, एक सेट सपोज ये है, एक ये है और एक ये है ना। तो अब ना एरियाज के नाम याद रखो ना, एरियाज के नाम याद रखो। जैसे मान लो मैंने बात करी ये वाले एरिया की, ये एरिया को क्या कहेंगे बताओ, ये एरिया क्या है, ये एरिया सेट ए एंड सेट बी में कॉमन है। तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो सारा एरिया है ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसमें किसी को डाउट है, ये एरिया क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये वाला एरिया क्या होगा बच्चों, बोलो, बी इंटरसेक्शन सी होगा। ये वाला एरिया क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। और ये वाला एरिया बोलो, अरे बोलो तो सही, ए इंटरसेक्शन सी। हाँ ए और सी में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन सी। ये छोटा सा जो एरिया है बीच में, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया, ये एरिया का नाम है, ये तीनों में कॉमन है ना, तीनों में कॉमन होने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये छोटा सा जो एरिया है ये वाला, ठीक है। अब मैं कुछ और पूछ रहा हूं आपसे, ये वाले एरिया को क्या कहेंगे, ये देखो ये यहां से जो बाउंडेड है, ये देखो ऐसे, ये एरिया, इस एरिया का नाम क्या है, ये एरिया के अंदर देखो बच्चों, ये एलिमेंट जो है, यहां वाले जो एलिमेंट है ये ए के अंदर है, है ना, बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है तो बार लगा दिया है ना, और सी के अंदर भी नहीं है। बार या डैश एक ही बात है, मैंने आपको बता रखा है, ये बार लिखें या डैश लिखें या कॉम्प्लीमेंट लिखें एक ही बात है, मतलब ये वो एलिमेंट होता है जो बी में नहीं है, ठीक है। तो अगर बच्चों मैंने ये लिखा है, इस सिंबल का मीनिंग समझते हैं, अगर ये सिंबल लिखा है ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट विच लाइज इन ए ए ओनली लिख दें ना, ए ओनली लिख दें, या फिर विच लाइज इन ए बट नॉट इन
डी एंड सी, बी और सी दोनों में नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी और सी में नहीं है ओनली ए में है, विच लाइज इन ओनली ए, ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर ये लिखा जाए तो क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? इसकी लैंग्वेज से देखो ना, सोचो क्या होगा। देखो वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ बी में, में है, बी में है, सी में नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो ए की जगह बी लिखना है बस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन ओनली बी, है ना, ऐसे लिख देता हूं। अब ओनली बी का मीनिंग क्लियर है ना, ओनली बी का मतलब है खाली बी में, ए और सी में नहीं है। सिमिलर वे में एक और ऐसा कुछ बना देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन ओनली सी, ओनली सी का मतलब है ए और बी में नहीं है। तो ये बात को ध्यान रखें, ये तीनों एरियाज मैंने बताया है, ये बता दिया आपको, ये एरिया जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, ये एरिया का नाम है ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, ठीक है, ये सी के ऊपर बार है। हाँ, और सिमिलर वे में जो थर्ड पोर्शन है वो ये वाला है, ये वाला रीजन, इस एरिया का नाम हो जाएगा ए नहीं है, बी नहीं है और ओनली सी है। अब कुछ और एरियाज पूछ रहा हूं, ये तीनों का मीनिंग क्लियर कर लिया आपने, लैंग्वेज जान लो बच्चों, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है तो ये निकालना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे वो आपने फॉर्म में देख लीजिए, और ये जो फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूले इस वेन डायग्राम से निकलते हैं, वेन डायग्राम से ये फॉर्मूलों को निकाला जा सकता है, ठीक है। देखना दोबारा एक चीज, ये जो है ना ये वाली चीज, इस एरिया को क्या नाम देंगे, ये वाले एरिया को, इस एरिया को आप खुद सोचो, ये एरिया है क्या? ये एरिया ऐसा है जो ए के अंदर है, बी के अंदर भी है, पर सी के अंदर नहीं है। तो ये जो एरिया मैंने लिखा है इसको मान लो मैं वन नाम देता हूं, ये जो वन वाला जो एरिया है ना, ये वन वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर नहीं है, ये, ठीक है। अब दूसरा मैं ये वाले एरिया की बात करूं, ये टू नंबर नाम दे रहे हैं, ये टू वाले एरिया को क्या लिखोगे, क्या होगा? ये एरिया बी और सी में कॉमन है ना, बी एंड सी के अंदर है, ए में नहीं है, तो बी के अंदर है एंड सी के अंदर है एंड ए के अंदर नहीं है, ठीक है। सिमिलर वे में ये वाले एरिया की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली आप बता दोगे अब कि ये एरिया क्या होगा, ये जो थ्री लिखा है इस एरिया का मीनिंग क्या होगा, इस एरिया का मीनिंग होगा ये, इस एरिया का मीनिंग हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या लिखो, बताओ बताओ बच्चों, ये एरिया क्या लिखा, इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी, ना बेटा ये ए सेट है, ये बी, ये सी सेट है, पर सी बट नॉट बी, हाँ ए इंटरसेक्शन सी बट नॉट बी, ए के अंदर है, सी के अंदर है एंड बी के अंदर नहीं है, ये इंटरसेक्शन कैन बी रिटन एज एंड, ठीक है, यूनियन कैन बी रिटन एज और, कैन बी रेड एज, इसको और रीड करते हैं, इसको
एंड रीड करते हैं ना, तो ये ए के अंदर है एंड सी के अंदर है एंड बी के अंदर नहीं है, तो ये थर्ड एरिया होगा। तो बच्चों ये एरियाज मैंने आपको समझा दिए। अब जो ये बचा हुआ एरिया है ना, इस एरिया को क्या कहेंगे, ये एरिया को कहेंगे, ये एरिया ना तो ए में है ना बी में है ना सी में है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। इसको निकालने के लिए अगर मान लो इसका फॉर्मूला बनाया जाए कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, इसको ना ऐसे लिखा जाता है, ध्यान समझना, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को हटा देते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देते हैं जो या तो ए में है या बी में है या सी में, यानी इन तीनों में से कम एक में जो एलिमेंट है, यानी इन सारे एलिमेंट को, अगर ये पूरे रेक्टेंगल में से अगर ये वाला एरिया हटा दिया जाए, ये पूरा एरिया जो है कंबाइंड तीनों सर्कल का एरिया, इन इस कंबाइंड एरिया को इस पूरे रेक्टेंगल में से हटा देंगे तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा ना। तो ये बचा हुआ एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड देखो अच्छे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लिख लो पहले ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। चले आगे, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। बच्चों अब देखना, मान लो मैंने आपको ये सब वैल्यूज दे दी, एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लूं कि एन ए एन बी एन सी दे दिया, तो उनमें तो कुछ है नहीं, उनमें तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन को पढ़ लो, चलो ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो देखो, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट ए, 26 लाइक बी एंड 29 लाइक्ड सी, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, एन ए एन बी एन सी दे दिया, ठीक है। अब 14 ऐसे हैं जो है ना ए एंड बी दोनों को लाइक करता है, 14 और 12 ऐसे हैं जो ना सी और ए दोनों लाइक करते हैं, और 14 ऐसे हैं फिर से जो बी एंड सी दोनों लाइक करते हैं, और 8 ऐसे भी हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली 7 टर्म्स दे दी गई हैं, 7 टर्म्स दे दी गई हैं। अब क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ मेनी People liked product C only, ऐसे कितने लोग हैं जो only C product को like करते हैं, only C product को like करते हैं। मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन बना रहा हूं, आप उन 4-5 क्वेश्चन के आंसर लिखो। आपने लैंग्वेज को रीड कर लिया, अब लैंग्वेज में जो दे रखा है मैं उसको सिंबोलिकली लिख के बता रहा हूं, है ना। आपको दिया है कि A को like करने वाले 21 है ना, तो मैं लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, NA की वैल्यू कितनी है,
21 आपको दिया हुआ है कि बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग हैं कितने, बी को लाइक करने वाले हैं 26, ठीक है, और सी को लाइक करने वाले हैं, सी को लाइक करने वाले हैं 29, ठीक है। दूसरा दिया है कि ना ए और बी दोनों को लाइक करने वाले, ए एंड बी दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं, ये दिया हुआ है आपको 14, ठीक है, और बी और सी दोनों को लाइक करने वाले, बी एंड सी दोनों को लाइक करने वाले हैं, ये है 12, ठीक है, सी और ए दोनों को लाइक करने वाले, ये अगेन 14, ठीक है, ये तीनों आपको गिवन है, ये और इसके बाद में तीनों को लाइक करने वाले, ये भी गिवन है, ये है आपके पास में 8, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी। अब इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, हाउ मेनी पीपल लाइक ए एंड बी बट नॉट सी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो इसने पूछा है वही लिख लेते हैं, हाउ मेनी पीपल लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली। ये क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझ लिया ना तो हर अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर का आने वाला क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे। चलो एक और ऐड कर लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए ओनली। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है ना वेन डायग्राम से इजीली हो जाएगा, वेन डायग्राम अगर बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। वेन डायग्राम देखो, पहले क्वेश्चन में तो वेन डायग्राम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बिना वेन डायग्राम के हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपली आपको बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखना बच्चों, एन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डाल दो, एन ए की वैल्यू 21, एन बी की वैल्यू 26, एन सी की वैल्यू 29, इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, यही आपका आंसर है। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये 7 वैल्यूज हैं, ये 7 वैल्यूज आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में, ये सारी वैल्यूज लिखो और आंसर निकाल लो, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, रीड करो क्या है क्वेश्चन को, रीड करके क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब सोचो क्वेश्चन में क्या पूछा है और इसका फॉर्मूला वेन डायग्राम के अंदर छिपा हुआ है। वेन डायग्राम के अंदर 50 फॉर्मूले छिपे हुए हैं, मोर देन 50, ठीक है, तो वो फॉर्मूले अपने आप आपको निकालने हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक्ड ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है, इसको सिंबोलिकली क्या लिखेंगे, सिंबोलिकली ये लिखेंगे ए को लाइक करते हैं, बी को लाइक करते हैं, सी को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, है ना, ऐसे लोग जो ए को लाइक करते हैं, प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, बी को लाइक करते हैं, सी को लाइक नहीं करते हैं, तो ये आपको कैलकुलेट करना है।
अब इसका जो है ना फॉर्मूला मैं वेन डायग्राम से देखूंगा। वेन डायग्राम देखो क्या है, देखो ये पता है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये वन नंबर है ना, क्योंकि ये क्या है, ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर नहीं है, तो ये मैंने लिखा भी है। देखो ये वन का मीनिंग क्या है, वन का मीनिंग क्या है, ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर नहीं है, तो यही आपको पूछा गया है। और ये कैसे आएगा, ये अगर इस पूरे एरिया में से, ये पूरा एरिया, इसका नाम था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नाम है इसका, इस पूरे एरिया का, क्योंकि ये ए और बी में कॉमन है, इसमें से अगर ये हटा दिया जाए जो तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटा दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो है ना, इसका इसका मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, मुझे वेन डायग्राम से दिख गया, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों देखना 14 और ये है 8, तो आपका आंसर 6 है, ठीक है। तो 6 ऐसे लोग हैं जो ए को लाइक करते हैं, बी को लाइक करते हैं, बट सी को लाइक नहीं करते, ठीक है। समझे बात को, किसी को डाउट है पूछ ले दोबारा। अगर यहीं पे कंसंट्रेट रहोगे, यहीं पे देखोगे, हर बात लिखोगे, तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी आता है डाउट तो दोबारा पूछें, एक बार नहीं 10 बार पूछें, पर पूछना तो पड़ेगा यार, बिना पूछे तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, हर चीज की डेफिनेशन दे रहा हूँ, फॉर्मूले डेराइव कैसे हुए वो बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा बच्चों, और बिना समझे मैथ्स नहीं होती है, ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। मार्क्स लाने हैं, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी क्लास में इतने महान लोग हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ में आता भाग ही जाते हैं, तो उसमें लॉस किसका है, ना तो पेरेंट्स का, ना टीचर्स का, ना स्कूल का, खुद का सबसे बड़ा लॉस है। ये बात क्या है कि अभी समझ में आती नहीं है, बच्चा जब पास हो जाता है, कॉलेज कर लेता है मान लो, और सक्सेसफुल नहीं होता है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, फिर समझ में आता है। जिनको पहले समझ में आ जाता है उनके तो कुछ और बन जाते हैं वो, ठीक है ना, सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर जिनको बाद में समझ में आता है फिर वो यही कहते हैं कि हम तो कर सकते थे पर हमने किया नहीं, तो उसकी वाहवाही नहीं मिलती है, ठीक है ना। कर सकते थे फिर नहीं किया तो सबसे बड़ा बेवकूफ वही है जो कर सकता है पर करता नहीं है, ठीक है ना, उसी को तो हम कहेंगे कि यार क्या बंदा है ये, कर सकता है फिर भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये बोलने का कोई फायदा नहीं होता कि मैं ना 99% ला सकता था पर मैं लाया नहीं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो वही हुआ ना जो ये कह रहा है। हाँ ये क्लियर है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सिंबोलिकली समझो, पहले तो आपको मैंने कहा है कि ऐसे लोग जो ओनली सी को लाइक करते हैं, यानी ए को लाइक नहीं करते, बी को लाइक नहीं करते, सी को लाइक करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से समझाता हूं, ये देखो मैंने लिखा भी है, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा नंबर ऑफ एलिमेंट विच लाइज इन ओनली सी, ये। अब इसका फॉर्मूला मैं डेराइव करने जा रहा हूं, देखो बच्चों समझना, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं, ये एरिया के लिए हम चाह रहे हैं कि पूरे सी के एरिया में से
ये वाला एरिया हटा दिया जाए, ये एरिया एंड ये एरिया, है ना, ये सारा एरिया हटाना पड़ेगा। तो बच्चों मैं इसको दोबारा वेन डायग्राम से क्लियर करता हूँ, मेरे को ये निकालना है ना, मैं समझ गया कि मेरे को ना ये फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा, क्या आएगा वो देखते हैं। मैं दोबारा इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ये ए है, देखना बच्चों ध्यान से, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। आपको निकालना है बच्चों ये वाला एरिया, इसमें ए नहीं बी नहीं है, ओनली सी है ना, ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया के लिए सी के एरिया में से, ये सी का एरिया है पूरा, इस सी के एरिया में से एक तो ये वाला एरिया हटा दें, इस एरिया का नाम है ए इंटरसेक्शन सी और ये वाले एरिया का नाम है बी इंटरसेक्शन सी, पर ये दोनों को ऐड करके अगर हटाया तो ये एरिया दो बार हटा दिया, तो ये एरिया का नाम है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरे को जो वेन डायग्राम से फॉर्मूला दिख रहा है कि इस टर्म को क्या लिखना चाहिए, इस टर्म को लिखना चाहिए ऐसा, एन सी माइनस ये कंबाइंड एरिया, ये वाला, ये एरिया हटाना है, क्योंकि पूरे सर्कल में से ये एरिया हटाएंगे तभी तो आएगा। कौन सा एरिया बता रहा हूं, ये एरिया, ये ऐसा, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए एन ए इंटरसेक्शन सी वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, इसका नाम है एन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को ऐड कर दिया। पर बच्चों जब मैंने ये एरिया को ऐड किया तो ये एरिया दो बार ऐड हो गया, ये एरिया क्या है, ए बी और सी तीनों में कॉमन एरिया, ये एरिया है ए बी एंड सी तीनों में कॉमन एरिया, अब ये चारों वैल्यूज आपको पता है, आपके क्वेश्चन में लिख रखी हैं, एनसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, देखो एनसी की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, देखो ये देखो ना, एनसी की वैल्यू क्या दे रखी थी, ये दी, एनसी की वैल्यू 29 है, ये वैल्यू यहां से डालनी है, एनसी की वैल्यू 29 देखो लिखा हुआ है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी 14, एन बी इंटरसेक्शन सी 12 और ये देख लो एन ए इंटरसेक्शन सी ये 8 है, ठीक है, ये वैल्यूज रख दी, अब आपका आंसर आ गया 29 माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया 26 माइनस 8 18 आ गया, 11 आंसर आ गया। 11 ऐसे लोग हैं जो ओनली सी को लाइक करते हैं, यानी ए और बी को लाइक नहीं करते, ओनली सी को लाइक। अब बच्चों एक काम तो करके बता दो, लास्ट वाला क्वेश्चन सोचो क्या पूछा है, पहले उसको सिंबोलिकली सिंबल को फॉर्मूले में कन्वर्ट करो और फॉर्मूला बना के फिर वैल्यूज रख दो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो एक बार, ये मैंने लिख के दिया, देखो ये रहा, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट ए ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक ही दे रखा था, मैंने चार बना दिए, वो चार इसलिए बनाया है ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बोलो क्या करेंगे,
बताओ तो क्या क्या आंसर आएगा। सॉल्व करो बच्चों। बच्चों हुआ क्या? देखो बच्चों ये काम करना है, सर मैं कर आप रहे हैं। सिंबोलिकली उसको लिखेंगे क्या जो पूछा है आपसे। ये फोर्थ थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे उसको? देखो लाइक प्रोडक्ट ए ओनली, मतलब ए को लाइक करते हैं, बी को लाइक नहीं करते हैं, सी को लाइक नहीं करते हैं ना। तो बच्चों पहले तो वेन डायग्राम से उस चीज को समझो। आपको ये एरिया पूछा गया है, ये एरिया का नाम मैंने पहले भी लिखाया है। ये एरिया कौन सा है? ए है इसमें, बी नहीं है, सी नहीं है। तो ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए क्या कहा गया कि पूरे एरिया में से ए में से क्या हटा दिया जाए? ये एरिया हटा दिया जाए, है ना, ये एरिया हटा दिया जाए। अब ये एरिया क्या है? इन दोनों एरियाज को ऐड किया और उसमें से ये हटा दिया। तो बच्चों एन इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला ये बना, एन ए माइनस ये कंप्लीट एरिया ना, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे लिखोगे? इस एरिया का नाम है ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाले एरिया का नाम है ए इंटरसेक्शन सी, और ये जो बीच में छोटा सा एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये चारों वैल्यूज आपको पता है। सर आंसर वन है। देख लेते हैं बेटा, मुझे नहीं पता, करके देख लेते हैं अभी। एन ए की वैल्यू कितनी है? 21। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 14। फिर ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये भी 14 है, और ये कितना है? एट। ये 1 है बेटा, सही है। ये कितना हुआ? 28। 1 आंसर, वेरी गुड। ऐसे लोग जो खाली ए को लाइक करते हैं वो एक ही है, एक ही ऐसा पीपल, एक ही ऐसा पर्सन है जो एक ए को लाइक करता है, ठीक है। अब ओनली बी कहा जाए तो भी कर लोगे आप ही, ओनली ए की जगह ओनली बी लिख दे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, ठीक है। बच्चों कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। बच्चों रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं फिर, है ना। इनकी पिक्स मैं सेंड कर दूंगा आपको, पर आप ना लिखते जाएं साथ में, साथ में नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। पिक्स सेंड करते रहूंगा मैं और पड़ी रहेंगी वो मोबाइल में, कोई यूज नहीं है उसका। इसको फिजिकल क्लास की तरह ही ले, आपकी क्लास चल रही है और जो आपको बोर्ड पे लिखाया जा रहा है वो आपको नोटबुक में लिखना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप खुद का लॉस करते हैं बहुत बड़ा। क्लास की तरह ही लो ना, देखो सारी चीजें मैंने लिखी हुई अच्छे से, मतलब टाइम भी देता हूं मैं आपको इनफ, 3 मिनट इनफ है इनको नोट करने के लिए, मैंने आपको 5 मिनट दे दिए।
साथ साथ में लिखो, साथ साथ में समझो, साथ साथ में लिखो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। बाय। ओके सर, बाय।